नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार अफसर में, जिसमें हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अफसरों की पूरी जानकारी। दोस्तों, रिक्रूटमेंट की नई नोटिफिकेशन आई है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से। असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए निकाली गई ये वैकेंसी है, जिसके लिए आप 13 अगस्त 2018 से लेकर के 11 सितंबर 2018 तक अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हर जरूरी बात जो आपको आवेदन करने से पहले जानना जरूरी है। मगर उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल रोजगार अफसर सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दबाएं बेल आइकन ताकि आप तक हमारी नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, नोटिफिकेशन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाली गई वैकेंसी है, जिसे आगे चलकर के परमानेंट किया जा सकता है, मगर जो पे स्केल दिया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा दिया जा रहा है। 56,100 से लेकर के 177,500 तक का पे स्केल है। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, 13 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर 2018 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल 10 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें से 7 अनरिजर्व्ड हैं, 2 एसटी के लिए हैं और 1 ओबीसी के लिए निकाली गई वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बैचलर्स की डिग्री मांगी गई है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से। आयु सीमा या एज लिमिट की बात की जाए तो 30 साल की मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है इस वैकेंसी के लिए। 11 सितंबर 2018 से ये कैलकुलेट की जाएगी। हालांकि विभिन्न प्रकार की कैटेगरीज के लिए एज में पूरी रिलैक्सेशन दी गई है। नोटिफिकेशन के अंदर हर एक कैटेगरी के लिए जो रिलैक्सेशन दी गई है उसको नोटिफाई किया गया है। इस पूरी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तों, वहां से जाकर के आप इस पूरी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार आवेदन करने से पहले आप पूरी तरीके से इसको पढ़ लें और उसी के बाद आवेदन करें। फिजिकल स्टैंडर्ड से लेकर के मेडिकल स्टैंडर्ड तक हर चीज़ नोटिफिकेशन के अंदर मौजूद है दोस्तों, उसके अनुसार आप देख करके अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक अप्लाई करने की बात है उसका प्रोसीजर को समझ लेते हैं एक बार। इसके लिए आवेदन करने के लिए दोस्तों आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, www.recruitment.itbplus.nic.in पर। आइए दोस्तों एक बार पूरे नेविगेशन को समझ लेते हैं किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है इस वैकेंसी के लिए। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च करना है गूगल पर। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर रजिस्टर यूजर का एक ऑप्शन बना हुआ आएगा। सबसे पहले आपको अप्लाई करने से पहले अपने आप को रजिस्टर करना है, जिसके अंदर आपकी डिटेल्स मांगी जाएंगी। जब आप रजिस्टर यूजर पर क्लिक कर देंगे तो आपका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर जैसी कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाएंगी और उसके बाद आप सबमिट कर देंगे और अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे, जिसके बाद जाकर के आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जहां तक एप्लीकेशन फीस या आवेदन शुल्क की बात है, 400 रुपए का आवेदन शुल्क रखा गया है इस वैकेंसी के लिए। महिलाओं के लिए, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों, इसके लिए आवेदन जरूर करें। जहां तक सिलेक्शन प्रोसीजर की बात है, पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को कई फेजेस में बांटा गया है। सबसे पहले फेज वन है, जिसके अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जैसी स्टेजेस हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर बहुत सारी स्टेजेस हैं, जैसे 100 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, जिसके लिए महिलाओं और पुरुष के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सब नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया हुआ है। इसके बाद फेज टू आता है दोस्तों, जिसके अंदर रिटन एग्जाम है, जिसके अंदर दो पेपर्स होंगे, पेपर वन पेपर टू। नोटिफिकेशन के अंदर ये मेंशन कर दिया गया कि पेपर वन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जबकि पेपर टू सब्जेक्टिव होगा। पेपर वन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर के क्वेश्चन हो जाते हैं 100, वक्त दिया जाएगा 2 घंटे का। पेपर टू में 15 क्वेश्चन होंगे सिविल ब्रांच से रिलेटेड। 50% मार्क्स मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखे गए हैं इस वैकेंसी के लिए, हालांकि एससी एसटी के लिए 45% मार्क्स मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होंगे। रिटर्न एग्जाम में क्लियर होने वाले कैंडिडेट्स को उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। लास्ट में एक स्टेज रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन का भी रखा जाएगा, जो कैंडिडेट्स अपने मेडिकल एग्जामिनेशन से सेटिस्फाई नहीं होंगे उनके लिए ये सेक्शन रखा गया है। सारे सर्टिफिकेट्स का जो फॉर्मेट है वो लास्ट में इस नोटिफिकेशन में दिया गया है दोस्तों, इसी फॉर्मेट में आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अप्लाई करने होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को इस वैकेंसी के लिए बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, अगर आप भी पाना चाहते हैं सबसे जल्दी अपडेट्स किसी भी लेटेस्ट सरकारी नौकरी के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकर के आते हैं लेटेस्ट सरकारी नौकरी से जुड़ी खबरें सबसे पहले।